आनंद मणिवरण गांव की दीक्षा का उपोपेक्षा आदरणीय अंजलि दीक्षित मैडम एवं महिला कार्यकारिणी सदस्य प्रधानाचार्य आदरणीय मनकोड़िया मैडम उपस्थित शिक्षिकागण सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब लोग मैडम के फेयरवेल के अवसर पर यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और साथ ही मैडम का 21 अक्टूबर जन्मदिन भी हम मनाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैडम के जन्मदिन के बारे में कहूंगी, रख रहे हैं आप कदम जिंदगी के एक अनोखे साथ में, रख रहे हैं आप कदम जिंदगी के एक अनोखे साथ में, दुनिया चाहे कुछ भी हो रखेंगे याद हम तुम्हें हर साल में। अब मैं मैडम के फेयरवेल के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मैडम की और मेरी पहचान बहुत सालों से थी, लेकिन मैं दूर से पहचानती थी कि अंकुर विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य है मटकोड़े मैडम, लेकिन मैडम के करीब में अभी कुछ एक डेढ़ साल से आई हूँ। जब से मैं मैडम के करीब आई हूँ तो मैडम के करीब आकर जो पल मैंने बिताए हैं उस पलों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैडम ने 21 साल अंकुर विद्या मंदिर में सेवा दी है और ये 21 सालों में एक दिन ऐसा था कि मैडम के की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैडम का ये 21 वर्ष का अनुभव सही में बहुत प्रशंसनीय है, जो सीनियर लोग जो कहते हैं। जब अंकुर विद्या मंदिर में 3 क्लास थी तब से मैडम ने अंकुर विद्या मंदिर की सेवा की और आज इस अंकुर विद्या मंदिर का वटवृक्ष बनता जा रहा है, मतलब आज 13 क्लास है। तो आज इस अंकुर विद्या मंदिर के ओर सभी लोग एक प्रशंसा की नजर से देखते हैं। यहाँ की डिसिप्लिन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की अदर एक्टिविटीज देखकर समाज में एक आदर्श स्कूल की प्रतिमा छाई हुई है। इसका ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट प्रधानाचार्य के नाते से आदरणीय मनकोड़िया मैडम को दिया जाता है। इसलिए कहूंगी, ले गए आप इस स्कूल पर, स्कूल को उस मुकाम पर, ले गए आप इस स्कूल को उस मुकाम पर, गर्व से उठे हैं हमारे आज है सर, आप हमारे साथ रहना रहे अब तक, याद आएंगे हमारे साथ बिताए हुए हर पल, याद आएंगे हमारे साथ बिताए हुए हर पल। जब मैडम ने बताया कि मेरे पति की ट्रांसफर हुई है और मुझे अभी जाना है, तब से अंकुर विद्या मंदिर के हम सभी शिक्षिकागण व कर्मचारीगण एक गहरी सोच में डूब गए और मैडम ने एक प्रधानाचार्य के रूप में हम सभी के साथ कैसा व्यवहार किया यह हम सोचने लगे। मैं तो यहाँ कुछ एक साल से आई हूँ, लेकिन यहाँ के कुछ पुराने टीचर और जो कर्मचारीगण हैं और कुछ मेरा अनुभव देखकर ऐसा लगता है कि मैडम इज अ सक्सेसफुल प्रिंसिपल। मैडम ने जिस तरह स्कूल संभाली है वह देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैडम का केवल एक परिवार नहीं था। मैंने एक बात देखी कि उन्होंने स्कूल में शांति बनाए रखने की कोशिश की है और स्कूल की ज्यादा से ज्यादा तरक्की कैसी हो यही उनकी मेहनत रहती थी। टीचर्स या कर्मचारी के ऊपर कोई गलती होने पर मैडम डांटती थी तो कभी ऐसा नहीं लगता था, किसी को बुरा नहीं लगता था, ऐसा लगता था किसी अपना में अपने को डांटा है। और दूसरे दिन प्यार से आवाज देकर हंसने वाली भी मैडम ही रहती थी। ऐसे ही मिलजुल कर मैडम ने सबको एक धागे में बांध रखा था। इसलिए जब मैडम के फेयरवेल की बात निकली तो मैडम का फेयरवेल आए लोगों से शुरुआत हुआ, यही मैडम के कार्य का सर्टिफिकेट है। मैडम ने स्कूल के साथ अपने परिवार को भी अच्छी तरह से संभाला है। मैडम ने खुद बच्चों को भी अच्छे संस्कार देकर उच्च शिक्षित किया है। आज उनके दोनों बेटे इंजीनियर है, यह उनके कुशल कार्य का फल है। उनके दोनों बच्चे आज पुणे में सेटल हो रहे हैं। जब मैडम से हमने पूछा, आप 21 साल में अंकुर विद्या मंदिर में सेवा की, इसके बदलत आपको क्या मिला? मैडम ने कहा, आप लोगों का प्यार, विश्वास और मेरी ट्रांसफर, यह मेरे लिए सबसे बड़ी बड़ा गिफ्ट है।
सही बात है। इस साल मैडम के बच्चों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट करके दोनों ही पुणे में एक अच्छी कंपनी में सर्विस पर लगे हैं और ऐसे हालत में मैडम का ट्रांसफर होना ये मैडम के लिए गॉड गिफ्ट है। परिवर्तन निसर्ग का नियम है, उसी तरह मैडम के जीवन में भी परिवर्तन की बारी आई है, इसलिए मैडम की खुशी में आज हमने भी शामिल होना है। आखिर में एक ही होंगी, कल हो सकता है कि मैडम की जगह कल अच्छी प्रिंसिपल आएगी जो मैडम से बेहतर काम करेगी, लेकिन इस जीवन में हर किसी के कर्मों की एक जगह होती है जिसे कोई नहीं ले सकता। वही जगह मैडम ने आज अंकुर विद्या मंदिर में और हम सब के दिलों में बनाई है, इसलिए जाते जाते मैडम के लिए कहना चाहूंगी, आज इस महफिल में मेरा भी एक फसाना है, आज इस महफिल में मेरा भी एक फसाना है। जीवन का नियम ही तो आना और जाना है, कुछ पल खुशियों के कुछ पल गम के यादें बिताना है, फिर उठ चले जाना है पंछी को जहां उसका ठिकाना है। मैडम जुड़ गए जो दिलों के रिश्ते याद आपकी आएगी, जुड़ गए जो दिलों के रिश्ते याद आपकी आएगी, लेकिन हमें विश्वास है समय का पहिया ऐसे ही घूमेगा, एक जगह हमें जरूर मिलाएगी, एक जगह हमें जरूर मिलाएगी। मैडम जहां कहीं भी हो खुश रहे, कामयाबी उसी कदम चुमे, यही मैं शुभकामनाएं करती हूं। मेरे दोषक समाप्त। Thank you.